हमें क्या देखने को मिलेगा, गजनी किस रोल में नजर आने वाले हैं दोस्तों। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। फिल्म गजनी के मेकर्स एक बार फिर से इस फिल्म के सीक्वल बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है फिल्म गजनी 2 होने वाला है। इस फिल्म ने इंडिया सिनेमा को थ्रिलर और एक्शन की दुनिया में एक नया चमत्कार दिखाया था, जिसे देखने के बाद आमिर खान के फैंस ने उनकी तरह हेयर कट करवा लिया था। इस फिल्म ने ऑडियंस के मन में एक नया क्रेज जगा दिया था। अब देखना ये है कि इस बार क्या आमिर के लुक और उनका हेयर स्टाइल ऑडियंस को क्या एक बार फिर से पागल बनाने में कामयाब होगी या नहीं। फिल्म गजनी 2 में हमें इस बार देखने को मिलेगा कि गजनी अपने घर में रहता था, जहां पर वो कुछ किरदार को भी रखता था जिसे दूसरों को रहने के लिए घर मिल सके और उसे ऐसा लगे कि वो अपनी फैमिली के साथ रह रहा हो। उसके यहाँ पर एक न्यू रेंटर आई थी जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है और उससे इससे रोल को करने के लिए श्रद्धा कपूर सामने आ सकती है। फिल्म में वो गजनी के घर में रहने लगेगी और अपने लाइफ की एक न्यू स्टार्ट करती है। वो कॉलेज जाती है और कॉलेज से घर आती है। ऐसे ही एक दिन जब वो कॉलेज गई थी तो वहाँ कुछ गुंडों ने उसे परेशान किया, जिसके बाद वो चुपचाप घर आ गई, लेकिन उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा, जिसके बाद उसने उस बदमाश लड़कों में से एक को मार देती है, जिसके बाद श्रद्धा को पुलिस पकड़ ले जाती है क्योंकि पुलिस भी उन गुंडों में से शामिल होता है। वो उसे चोरी के केस में फंसा देता है, जिसके बाद जब गजनी को ये बात पता चलता है तो वो उसे छुड़ाने के लिए खुद अपने लॉयर के साथ पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पर पुलिस वाले उसे छोड़ने से मना कर देते हैं, जिसके बाद गजनी अपने सोर्स का यूज करके मिनिस्टर को कॉल करता है, जिसके बाद उस पुलिस ऑफिसर को मजबूरन में उसे छोड़ना पड़ता है। वहीं श्रद्धा ने जिस लड़के को मारा था वो उसे बदला लेना चाहता है और उसके लिए वो उसके सामने अच्छा बनने की एक्टिंग करने लगा था। स्टार्टिंग में तो श्रद्धा उसकी बातों में नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो उसकी बातों में आ जाती है और उसे प्यार करने लगती है और वो यही चाहता था, जिसके बाद वो उसके साथ टाइम स्पेंड करता है और ऐसा दिखाता है कि उसे भी उसकी फिक्र है, उसे भी उससे प्यार है, लेकिन ऐसा था नहीं। जिसके कुछ हफ्तों बाद उसने कहा कि वो उससे प्यार करता है और उसके इसका जवाब देने के लिए उसे टाइम देता है, जिसके बाद जब वो उसे आई लव यू बोलती है तो वो उसे बेइज्जत कर देता है, जिसके बाद उसे बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। और गजनी जब उसे रोते हुए देखता है तो उसे पूछता है कि क्या बात है, जिसके बाद वो उसे बता देती है कि जो भी कॉलेज में हुआ, जिसके बाद वो उस लड़के के पास जाता है और उसे धमकी देता है, लेकिन उल्टा वो गजनी को मारने के लिए आने लगा, जिसके बाद गजनी उसे मारता है और मारने के बाद उसे कहता है कि श्रद्धा से सॉरी बोलने के लिए। वो अगले दिन उससे माफ़ी तो मांग लेता है, लेकिन उसके मन में नफरत पनप रही थी, जिसके लिए उसने अपने भैया का हेल्प लिया, जिसके बाद उसका हेल्प के लिए उसने उस लड़की को किडनैप करवा लिया। उसके बाद उसने गजनी को कॉल किया और कहा उसने श्रद्धा को किडनैप कर लिया है और अगर उसे बचाना चाहता है तो वो खुद आके वहाँ उसे बचा ले, जिसके बाद वो वहाँ जाता है और उन सबसे लड़ाई करके श्रद्धा को बचा लेता है, जिसके बाद वो श्रद्धा को लेकर वापस आते हैं। वहीं जब ये बात उसके बड़े भाई को पता चलती है कि गजनी ने उसके भाई को हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, जिसके बाद वो आग बबूला हो जाता है और गुस्से में वो सीधे गजनी के घर आ जाता है और उसके घर आने के बाद वो उसे धमकी देने लगता है और कहता है कि जैसे उसने उसके भाई की हालत की है वो वैसे ही उसकी भी हालत करेगा, लेकिन गजनी उसकी धमकी से डरता नहीं है और उसका भाई वहां से डायरेक्ट हॉस्पिटल जाता है और हॉस्पिटल जाने के बाद अपने भाई को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका भाई कोमा में चला जाता है, जिसके बाद वो डॉक्टर पर गुस्सा करने लगता है कि उसे जल्दी से जल्दी होश में लाओ, चाहे जो करना पड़े वो करो, लेकिन मेरे भाई को ठीक करो, जिस पर डॉक्टर कहता है कि अगर 24 घंटे में उन्हें होश आ गया तो वो ठीक हो सकते हैं, नहीं तो कुछ भी कहना मुश्किल है। जिसे सुनने के बाद उसका भाई को एक उम्मीद तो मिली, लेकिन हर बीते घंटे के साथ उसकी उम्मीद की मौत होती जा रही थी। और ऐसे ही एक दिन बीत गया, जिसके बाद अगले दिन शाम में उसे होश आया, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने भाई से प्रॉमिस करता है कि वो गजनी से उसकी हर चोट का बदला लेगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो अपने गुंडे को भेजकर उसके घर पर बॉम्ब फिट कर देता है। लेकिन उसी वक्त एक दूसरे किराएदार की तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, जिसके कारण जब घर ब्लास्ट हुआ तो घर में कोई नहीं था
और एक बार फिर उनकी कोशिश नाकाम साबित हुई। अब देखना यह है कि गजनी से बदला लेने के लिए वो और उसका भाई किस हद तक जाता है। वहीं फिल्म में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि जितने भी बेकार धंधे होते हैं उन सभी में उसके भाई का हाथ है, और यही रीज़न है कि उसका भाई से बहुत कोई डरता है, और यही रीज़न है कि उसका खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रहा है कोई। लेकिन जब गजनी उसके भाई को मारता है तो खबर पूरे स्टेट में आँख की तरह फैल गई है। अब देखना ये है कि इस खबर के कारण अब आगे हमें और क्या देखने को मिलने वाला है। साथ ही फिल्म में हमें गजनी के लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ बातें पता चलेगी कि आखिर वो कौन है जिसने आवाज उठाया है। फिल्म में हमें गजनी के लाइफ से जुड़ी बहुत सारे राज के बारे में भी जानने को मिलेगा। वहीं फिल्म में हमें श्रद्धा के लाइफ के बारे में भी कई चीज़ें जानने को मिलेगी जो कि कहीं ना कहीं गजनी के लाइफ से लिंक करती होगी। अब देखना ये है कि लिंक कैसा हो सकता है और श्रद्धा आखिर कौन है और वो पढ़ने के लिए इस शहर में क्यों आई है। इन सभी सवालों का जवाब हमें फिल्म में ही मिलेगा दोस्तों। फिल्म में मेकर्स बहुत सारे डेली लाइफ में होने वाले इंसिडेंट्स को दिखाने वाले हैं और साथ ही छोटे छोटे बहुत से टॉपिक्स को उठाने वाले हैं जिसे हमें अपनी डेली लाइफ में देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। और ये भी देखने को मिलेगा कि किस लड़की को गजनी ने फिल्म गजनी में बचाया था और वो फिल्म गजनी 2 में एक खास रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी। फिल्म में हमें बहुत सारे चेंजेस भी देखने को मिलेंगे क्योंकि अब मेकर्स फिल्म बनाने में बहुत सारे नई टेक्नोलॉजीज का यूज करते नजर आएंगे ताकि फिल्म में और ज्यादा अच्छी बन सके और ऑडियंस उसे ज्यादा से ज्यादा पसंद कर सके। फिल्म की स्टार्टिंग तो ऐसी होगी लेकिन फिल्म की क्लाइमेक्स में हमें इस बार पहले से ज्यादा एक्शन सीन्स देखने को मिलेगा। साथ ही मेकर्स इस बार फिल्म में VFX और नए इन्वेंशन का भी यूज करते नजर आ सकते हैं। साथ ही फिल्म में हमें एक नए सेट देखने को मिलेंगे। अब देखना ये है कि आखिर गजनी 2 कितना कमाल और धमाल मचाती है। आपको क्या लगता है, गजनी 2 ब्लॉकबस्टर हिट साबित होगी या नहीं? आप अपने ओपिनियन हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।